नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिनोवो की एक न्यू गेमिंग टैबलेट के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है और अब इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कैसी टैबलेट है, क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करें लिनोवो लीजन टैबलेट की सबसे पहले डिज़ाइन से। दोस्तों ओवरऑल डिज़ाइन दिखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है और ओवरऑल जो टैबलेट का फॉर्म फैक्टर वगैरह है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी स्लीक सी यहाँ पर आपको छोटे साइज़ की टैबलेट देखने को मिल जाती है, तो हैंड में होल्ड करना ईजी होता है। कुछ स्टेप से यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर इसका है। बाकी बात करें यहाँ पर लिनोवो लीजन टैब की डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको 8.8 इंच की QHD यहाँ पर आपको पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि एक IPS पैनल है। तो QHD यानी कि यहाँ पर आपको 2K रिजोल्यूशन के अराउंड यहाँ पर पैनल देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ओवरऑल पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। क्या हुआ इसका मतलब, तो दोस्तों जब आप गेमिंग वगैरह करोगे, कुछ ऐसा यहाँ पर हाईर रिफ्रेश रेट वाले गेम चलाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर डिस्प्ले फील होगी। इवन इसका टच सैम्पलिंग रेट भी काफ़ी हाई है। जब आप अपने गेम पे यहाँ पर गेम प्ले वगैरह करोगे तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा, टच रिस्पॉन्स होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो ओवरऑल जो इसकी डिस्प्ले है दोस्तों, वो छोटी भी इसलिए बनाई गई है ताकि आप गेमिंग वगैरह करो तो यहाँ पर आपको ईजी हो और आप ईजी तरीके से जो है गेमिंग वगैरह का मजा यहां पर उठा पाओ। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है काफी हाई क्वालिटी का यहां पर पैनल डाला गया है, भले छोटा हो लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी ब्राइटनेस लेवल्स है, इसका जो स्मूथनेस है, वो सारी दोस्तों नेक्स्ट लेवल की यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा IPS पैनल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में। तो लिनोवो लीजन टैबलेट का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। तो दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ यहाँ पर आता है। तो कैसा प्रोसेसर है ये देखने को मिलता है, तो दोस्तों मैं बताऊँ, ये आपको इनसेन परफॉर्मेंस निकाल के देगा। जिस प्राइस रेंज पे आया है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 दोस्तों स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला फ्लैक्सिप प्रोसेसर होता है। तो फ्लैक्सिप का क्या मतलब, जो कि सबसे बेस्ट यहाँ पर बेसिकली प्रोसेसर्स मार्केट के अंदर होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब भी आप गेमिंग करोगे, आप हाईर रिफ्रेश रेट के अंदर काफ़ी इजी तरीके से गेमिंग कर सकते हो, आपको कोई लैग शटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इवन जो लोग वीडियो एडिटिंग भी करेंगे इस टैबलेट के अंदर, उनकी वीडियो एडिटिंग काफ़ी फ्लॉलेसली होगी, क्योंकि काफ़ी पावरफुल SoC यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके AnTuTu स्कोर्स की बात करूँ तो लगभग 10 लाख के अराउंड होंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये जो टैबलेट का प्रोसेसर है ना, वो नॉर्मल काम तो काफ़ी अच्छे से कर ही लेगा, किसी भी प्रकार का हैवी से हैवी कोई भी आप गेम खेलो या कुछ भी करो, सारी चीज़ें यहाँ पर इस टैबलेट में विदाउट लैग चलेंगी। साथ में यहाँ पर आपको 12 GB की रैम देखने को मिलती है, तो यार आप कोई भी गेम खेल लो, आपके लिए रैम भी कम नहीं पड़ेगी। आपका रैम जो है वो इस तरीके से सारे के सारे गेम्स को लोड कर दिया करेगा। इवन रैम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप मल्टीपल जैसे टास्क वगैरह करनी है आपको, वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाया करेंगी। मल्टीटास्किंग उसमें भी कोई लैग स्टेटस देखने को नहीं मिलेंगे। 256 GB की यहां पर रोम दी गई है, तो काफी बड़ी स्टोरेज दी गई है। आप मल्टीपल गेम्स इंस्टॉल करो, कोई बड़ी फाइल्स रखो, आपकी टैबलेट बिल्कुल भी लैग स्टेटस नहीं करेगी, और बड़ी स्टोरेज होने की वजह से आप इस तरीके से अपनी जो फाइल्स हैं वो स्टोर करके रख सकते हो विदाउट एनी टेंशन की स्टोरेज खत्म हो जाएगी। तो बढ़िया यहां पर ओवरऑल स्टोरेज दी गई है। बाकी बात करते हैं यहां पर अब इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6550 mAh की बैटरी दी गई है 45W की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो मैं कहूँगा दोस्तों बैटरी थोड़ी सी बड़ी डाल देते तो ज़्यादा अच्छा था, वैसे तो मतलब मैनेज कर लेगी, बैटरी इतनी छोटी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह छोटी है तो पावर कंजप्शन कम होगा, लेकिन बैटरी 7000 mAh की या फिर कुछ 7200 mAh की डाल देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग 45W की देखने को मिल जाती है, तो आराम से 1 घंटे के अराउंड ये चार्ज भी हो जाया करेगी, और मतलब बैटरी के हिसाब से जो आपकी टैबलेट है आराम से लास्ट कर जानी चाहिए, 7-8 घंटे के अराउंड चल जाया करेगी। तो बैटरी और ये भी ठीक ही हम कहेंगे। बाकी इसके मैं अंदर एक स्पेशल चीज है, इसके अंदर ना दोस्तों वेपर कूलिंग चैम्बर लगाया गया है। बेसिकली क्या है कि इस टैबलेट को कूल डाउन करने के लिए, अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है फोन या टैबलेट्स जो भी होती है गर्म होती हैं, तो क्योंकि परफॉर्मेंस उनके अंदर जब चलती है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल कर आपको वो देते हैं, तो उनके अंदर जो है हीट एक तरह से जनरेट होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्पेशल इसके अंदर एक तरह से कूलिंग चैम्बर टाइप आप समझ सकते हो लगाया गया है। तो ओवरऑल वो आपकी टैबलेट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छी चीज यहां पर देखने
देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें दोस्तों लिनोवो लीजेंड टैबलेट के यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, तो एंड्रॉयड 13 यहाँ पर दिया गया है जो कि यार थोड़ा सा पुराना है। एंड्रॉयड 14 आजकल चल रहा है, बाकी के लिनोवो टैबलेट्स में आ रहा है, तो पता नहीं इन लोगों ने यहाँ पर क्या सोच के एंड्रॉयड 13 दिया है। मे बी स्टेबिलिटी वगैरह के हिसाब से इन्होंने दिया होगा। तो डेफिनेटली अपडेट तो आपको बहुत जल्दी एंड्रॉयड 14 का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी होता तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी स्पीकर्स की बात करूँ तो 2 स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो अगेन यहाँ पर आपकी गेमिंग के हिसाब से आपका काम चल जाएगा। बेसिक सा ऑडियो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, बाकी आपको बेसिक माइक्रोफोन वगैरह ये सारी चीज़ें तो देखने को मिली जाती हैं। कैमरास की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ। तो बैक में यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा ठीक है, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए ठीक है, बाकी तो कैमरा से क्या ही करते हैं टैबलेट के। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, तो अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो ओवरऑल टैबलेट है आपको टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करती है, तो टाइप सी पोर्ट के थ्रू यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला एक तरह से कहेंगे पोर्ट दिया गया है, जहाँ पर आपको रीड एंड राइट जो स्पीड्स होगी ना, अगर आप इसके अंदर कुछ SSD कनेक्ट कर रहे हो या फिर कोई पेन ड्राइव वगैरह, वो भी काफ़ी हाई होंगी। इवन आप सारी की सारी जो OTG वाली एसेसरीज होती हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी पोर्ट के थ्रू। आपको वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर ड्यूअल बैंड वाईफाई दिया गया है, तो आपके घर में कोई भी वाईफाई हो, हाई स्पीड वाला 5G वाईफाई हो या कोई भी हो, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और आपको काफी अच्छी स्पीड्स निकाल के देगा। साथ में ब्लूटूथ का वर्जन लेटेस्ट 5.3 दिए गए हैं, तो इसी तरीके से 2 डिवाइस आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू। बाकी यहां पर टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप अलग से जो टाइप सी पोर्ट वाली ईयरफोन होती है वो भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लेटेंसी वगैरह का इशू रहता है ब्लूटूथ वाली ईयरफोन पे, तो गेमिंग वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, उनके लिए काफी अच्छा ओवरऑल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके अंदर जो चीज मिसिंग है वो है कि यहां पर किसी भी प्रकार का 5G नहीं देखने को मिलता है, विच इज मतलब यार ये लोग पता नहीं क्यों ही करते हैं 5G निकाल देते हैं, क्योंकि 5G जो है आज की इंडिया की तो नीड है बेसिकली। अगर आप टैबलेट के अंदर 5G देते हो तो बंदा कहीं भी बैठ के गेम खेल लेगा, आप इसके लिए वाईफाई ढूंढो ये सब चीजें करो, तो ये इसका थोड़ा सा कमी मेरे को लगी। बाकी बैटरी को लेकर मैंने कमी हल्की सी बता दी, बैटरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। बाकी इसके अलावा ये टैबलेट परफेक्ट है। अब मैं फाइनल बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की और किन लोगों के लिए टैबलेट बनी है। सो दोस्तों ये जो टैबलेट है ना, सिर्फ गेमर्स को या फिर जो लोग परफॉर्मेंस ड्राइवन कुछ कार्य करना चाहते हैं लाइक यहाँ पर मूवी वीडियो एडिटिंग वगैरह, उनके लिए बनाई गई है। नॉर्मल व्यक्ति इसको उस कंडीशन में खरीद सकता है जब किसी को छोटा टैबलेट चाहिए, लाइक मुझे क्या है कि छोटा टैबलेट चाहिए और मेरे को बाकी चीज़ें मतलब परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी मिल जाए तो ठीक है, तो लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी है वो छोटा टैबलेट का है, तो तब आप इस टैबलेट को ले सकते हो। अदरवाइज मी पैड 6 जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं और भी टैबलेट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप गेमर हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी टैबलेट आ गई है, आप इसको परचेस करो, गेम खेलो मस्त, उनके लिए तो बेस्ट है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 34999 इसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पर दिखा रहा है, समटाइम्स 28,000 भी दिखा रहा है, तो ऑफर्स वगैरह लगकर आपको मिल जाएगी 29 तक, तभी आप इसको खरीद लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस आपको बनाकर देता हूं। मैं तो बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता भी नहीं, ताकि आप इसी तरीके से वीडियो को एंजॉय कर सके, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको डील्स ऑफर्स का पता चलता रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।